So today we are going to start our first chapter in commerce, that is the stakeholders. देखो stakeholders का मतलब क्या होता है, मैं उसी से start करूंगा. Stakeholders individuals हो सकते हैं, that is a single person, a group of person or an organization. तो stakeholder किसी particular इंसान के साथ एक group of people को या एक organization को भी बोला जा सकता है that have an interest. तो स्टेक को ही एक इंटरेस्ट बोलता है इन द डिसीजंस एंड द एक्शंस ऑफ द एंटरप्राइजेस. तो एक एंटरप्राइजेस जो एक्शन लेता है, एक एंटरप्राइजेस जो डिसीजंस लेता है, वो डिसीजंस वो एक्शन कहीं ना कहीं इन स्टेक होल्डर्स के बेस पे लिया जाता है, इन स्टेक होल्डर्स से सलाह मशवरा करके लिया जाता है, क्योंकि ये स्टेक होल्डर्स का एक अपना अलग इंटरेस्ट इस एंटरप्राइजेस के साथ जुड़ा रहता है. द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स नीड्स टू बी गिवन सीरियस कंसिडरेशन. और जितने भी स्टेक होल्डर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइजेस से जुड़े रहते हैं, उनको आपको सीरियस कंसिडरेशन देना पड़ेगा. मतलब आप उसको सीरियसली लेंगे. अब बोलेंगे स्टेक होल्डर का मतलब, कुछ कुछ बच्चों को इतना सुनने के बाद लगा होगा स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर एक होते हैं, लेकिन मैं अभी आपको बता दूं, स्टेक होल्डर का कंप्लीट डिफरेंट मीनिंग होता है इन कंपैरिजन टू द शेयर होल्डर्स. देखो क्लास 9 में जब आप लोगों ने ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो वहां एक डेफिनेशन था, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. अगर आपको याद होगा, हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सेल. तो देखो हमारे इंडिया में ना तरह तरह के बिजनेस के फॉर्म्स होते हैं. जब एक अकेला आदमी बिजनेस को संभालता है, चलाता है, उसे सोल प्रोप्राइटर कहते हैं. जब दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं, उसे पार्टनरशिप कहते हैं. और जब एक कंपनी तैयार होता है जहां पे कंपनी में पैसे लगाने वाले कोई एक दो या पांच नहीं बल्कि हजारों के लोग में हो जाते हैं, तो उसे हम लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं. वहां पे कंपनी का शेयर माने हिस्सा पब्लिक में बांटा जाता है इन द फॉर्म ऑफ शेयर, और जो लोग वो शेयर खरीदते हैं उन्हें हम शेयर होल्डर कहते हैं. तो वो एक शेयर होल्डर जो है, शेयर होल्डर कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द स्टेक होल्डर. शेयर होल्डर को हम वन ऑफ द स्टेक होल्डर जरूर कह सकते हैं, क्योंकि उनका भी तो इंटरेस्ट जुड़ा है कि कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म करेगा तो कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगा. कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगा तो मार्केट में कंपनी के शेयर का वैल्यू बढ़ेगा. तो कहीं ना कहीं वो लोग का भी इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है. तो शेयर होल्डर्स कैन बी कंसिडर्ड एज एन स्टेक होल्डर, बट स्टेक होल्डर का जो डेफिनेशन है वो काफी ब्रॉडर है इन कंपैरिजन टू द शेयर होल्डर. स्टेक होल्डर में खाली शेयर होल्डर नहीं, इसके अलावा मैं एक सिंपल नाम और जोड़ देता हूं, ऐसे तो बहुत सारे मैं पढ़ाऊंगा, एम्प्लॉयज. देखो एम्प्लॉयज जो आपके यहाँ पे काम करता है वो दिन रात काम करता है, किस लिए काम करता है, फॉर द सैलरी. तो उसका भी एक इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है. एक क्रेडिटर जो आपको सप्लायर जो आपको रॉ मटेरियल उधार में देता है, वो किस लिए जुड़ा है, ताकि आप उसको रेगुलरली ऑर्डर दें, टाइमली पेमेंट दें, उसका रॉ मटेरियल आप खरीदें, तो उसका भी एक इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है. यहां तक कि गवर्नमेंट जो हमारी कंट्री को या स्टेट को चलाती है, उसका भी एक इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं इंटरेस्ट आपसे जुड़ा हुआ है रिगार्डिंग द टैक्सेशन. आप जो रूल्स एंड लॉज है उसको ओबे करेंगे, आप कंट्री का या स्टेट के ग्रोथ में अपना पार्टिसिपेशन देंगे. तो कहने का मतलब है ऐसे बहुत सारी पार्टीज हैं, इंडिविजुअल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ इंटरेस्ट आपके एंटरप्राइजेस से जुड़ा हुआ है, और ये सारे जो होते हैं वो कहलाते हैं स्टेक होल्डर. अब सुनना, If their wishes are disregarded, अगर उनकी इच्छाओं को आप serious consideration नहीं देंगे या importance नहीं देंगे या disregarded मतलब कोई भी तवज्जो नहीं देंगे, they may combine to block the operation. वो लोग मिलकर आपके business का operation को block कर सकते हैं. For example, अगर supplier को आप timely payment नहीं दिए, तो सोचो supplier ने आपको रॉ मटेरियल देना बंद कर दिया, एम्प्लॉयज ने आपके लिए काम करना बंद कर दिया, गवर्नमेंट ने काफी तरह के टैक्सेस या कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस ले आए कि उस तरह के बिजनेस को पूरा बैन कर दिया. सोचो प्लास्टिक का बहुत जगह फैक्ट्रीज है, अचानक गवर्नमेंट रूल लेकर आ गया कि भाई प्लास्टिक अब नहीं बिकेंगी, तो क्या हो गया,
तो उन्होंने आपके बिजनेस को ब्लॉक कर दिया ना कहीं ना कहीं। तो अगर स्टेक होल्डर्स को अगर आप ध्यान नहीं देंगे, स्टेक होल्डर्स को आप ड्यू इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, उनके ग्रीवांसेस को पूरा नहीं करेंगे, तो कभी ना कभी वो लोग कंबाइन होकर आपके बिजनेस को ब्लॉक या बंद करने का चेष्टा भी कर सकते हैं। बट ऑन द पॉजिटिव साइड, तो ये तो हुआ नेगेटिव साइड, लेकिन पॉजिटिव साइड में स्टेक होल्डर अगर आपका साथ दे, आपके साथ मिलकर चले, एम्प्लॉयज अगर अपना 110% आपके लिए खर्च कर अपना मेहनत दें, क्रिएटर्स आपको सस्ते दाम पे रॉ मटेरियल्स दे, इन्वेस्टर्स आपको अगर पैसे दे दे, गवर्नमेंट अगर आपको ग्रांट्स दे दे, लीनियंट हो जाए रिगार्डिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो हो सकता है आपकी कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी कई गुना बढ़ भी सकता है। तो यही पे बोला है ऑन द पॉजिटिव साइड द स्टेक होल्डर कैन बी कंबाइंड टू एड एंड सपोर्ट अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इन ट्रबल। तो अगर कभी भी ऐसी कोई दिक्कत आ जाती है जहां पे बिजनेस ऑपरेशन ठीक से नहीं चल रहा है या बिजनेस स्मूथली रन नहीं कर रहा है, तो ये स्टेक होल्डर्स आपकी मदद भी कर सकते हैं। तो ऑल इन ऑल स्टेक होल्डर को आप कह सकते हैं इंडिविजुअल ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट दे हैव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट एसोसिएटेड विद एन एंटरप्राइसेस। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स, देखो स्टेक होल्डर्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, वन इज द प्राइमरी एंड द अदर वन इज द सेकेंडरी। अब प्राइमरी सेकेंडरी क्या होता है सर? देखो जिनका प्राइमरी इन्वॉल्वमेंट होता है इंटरप्राइसेस के साथ, जिनका प्राइमरी इन्वॉल्वमेंट होता है इंटरप्राइसेस के साथ, सोसाइटी के साथ, उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी। तो कहने का मतलब है उनका जिसके साथ बिजनेस का प्राइमरी इन्वॉल्वमेंट है रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस, जैसे गुड्स को प्रोड्यूस करना, सर्विसेज देना, तो हम गुड्स इसके लिए प्रोड्यूस करते हैं कस्टमर्स के लिए। गुड्स कौन प्रोड्यूस करता है? एम्प्लॉयज करता है। एम्प्लॉयज कहाँ से आते हैं? सोसाइटी से आते हैं। तो प्रोडक्शन के लिए हमको क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए। कौन देता है? सप्लायर देता है। तो इनका प्राइमरी इन्वॉल्वमेंट रहता है रिगार्डिंग द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो प्राइमरी स्टेक होल्डर कौन हुए? ओनर जिसने पैसा लगाया, एम्प्लॉयज जिसने प्रोडक्शन किया, सप्लायर जिसने रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया, क्रिएटर भी उसी कैटेगरी में आ सकता है, होलसेलर्स है, रिटेलर्स है, कंपिटिटर्स हैं, एजेंट्स हैं, जो लोग मेरा बिजनेस को गुड्स को खरीदते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रिटेलर्स तक पहुंचाते हैं, फाइनली कस्टमर्स तक कंजम्पशन के लिए देते हैं ताकि मेरे बिजनेस का प्रॉफिट अर्निंग बढ़े। तो ये आते हैं प्राइमरी स्टेक होल्डर के कैटेगरी में। और सेकेंडरी जो होता है, लेकिन इसमें एक बात भी है कि इनका जो इंटरेक्शन होता है प्राइमरी स्टेक होल्डर्स का आपस में जो इंटरेक्शन होता है वो फ्री मार्केट में होता है। फ्री मार्केट मैकेनिज्म का मतलब सर क्या होता है? देखो फ्री मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पे कुछ बाइंडिंग नहीं है। मतलब जैसे मैं एक सेलर हूं, मैंने अपना सामान तैयार किया, मैं मार्केट में पहुंच गया अपने सामान को लेकर, मैंने अपना प्राइस टैग लगा दिया, भैया 20 रुपये में ये सामान बेचूंगा। अब एक परचेजर भी आ गया खरीदने के लिए, अब उसको अगर लगेगा कि भाई ये वर्थ बाइंग है, 20 रुपये का सामान लगता है, तो खरीदेगा। अगर उसको लगता है कि नहीं है तो नहीं खरीदेगा। तो ये फ्री मार्केट है, द डिसीजन इज अप टू यू वेदर टू परचेज और नॉट, और वेदर टू सेल और नॉट, ये इंडिविजुअल डिसीजंस रहता है, कोई भी जबरदस्ती नहीं है। तो ये होता है फ्री मार्केट मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट। सेकेंडरी में क्या होता है? सेकेंडरी में होता है The involvement of an enterprise with the society is the result impact caused by its primary business mission. तो बोलता है किसी भी business का जो primary mission होता है, वो कई बार होता है profit, तो obviously prime objective रहता है, इसके अलावा society को भी लोग देखते हैं आजकल, sales maximization भी होता है, risk minimization, तरह तरह के business के अपने objectives हैं, अपने missions हैं। तो secondary stakeholder कौन होते हैं? Government होता है। कई बार government अपने सोचो किसी भी एक पर्टिकुलर जगह को डेवलप करना है, तो आप जानते हैं आजकल गवर्नमेंट, जैसे इंडियन गवर्नमेंट भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को कहते हैं कि भाई इंडिया में आओ इन्वेस्टमेंट करो। क्यों? ताकि इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बने। अभी इंडिया डेवलपिंग स्टेज में है, चाहता है डेवलप्ड हो जाए। जैसे देखो एम्प्लॉयज का गलत ना हो जाए, एम्प्लॉयज का ख्याल रखा जाता है कि नहीं, उसके लिए ट्रेड एसोसिएशन बनाए हुए हैं। दुनिया भर की खबरें कहाँ से आपको मिलती हैं? उसके लिए मीडिया बनाया हुआ है। तो कहने का मतलब है सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं जिसके साथ बिजनेस का जो एसोसिएशन होता है वो रिगार्डिंग प्राइमरी मिशन के हिसाब से चलता है। तो सेकेंडरी में आप गवर्नमेंट को ले लो, आप बिजनेस मीडिया को ले लो, आप ट्रेड एसोसिएशंस को ले लो, ये सब होते हैं आपके सेकेंडरी, जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं डालते
इनडायरेक्ट वे में एज ए जनरल जिनका पूरा इंपैक्ट सोसाइटी में पड़ जाता है एक साथ, वो कैटेगरी होता है सेकेंडरी शेयर होल्डर्स। ऑल टोटल ये पूरा इंपैक्ट जो होता है वो होता है सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स का। नाउ द सेकेंड पॉइंट एंड द सेकेंड डिस्कशन इज रिगार्डिंग इंटरनल एंड द एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। देखो इंटरनल वर्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो लिखा है मैंने स्टेक होल्डर्स हु आर इंटरनल टू द बिजनेस, मतलब कि जो लोग डायरेक्टली कंपनी के फंक्शनिंग और ऑपरेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं वो आते हैं इंटरनल स्टेक होल्डर्स की कैटेगरी में। और इसमें सिर्फ दो ही लोग आ सकते हैं, आप देख लो, एक आपका ओनर या उसको शेयर होल्डर के नाम से जान लो, और एक एम्प्लॉय। तो एक पैसे लगाने वाला और एक मेहनत करने वाला, ये दो लोग ही होते हैं जो कंपनी में इंटरनली काम करते हैं, जो इंटरनली बिजनेस के ऑपरेशन या मैनेजमेंट या फंक्शनिंग के साथ जुड़े हुए होते हैं। और एक्सटर्नल, बाकी इन दोनों को छोड़ के हर वो स्टेक होल्डर जिसका इनडायरेक्ट बेनिफिट मेरे साथ जुड़ा हुआ है वो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स की कैटेगरी में आता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है सप्लायर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट, एवरीवन कम्स इन द कैटेगरी ऑफ एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स बिकॉज दे आर नॉट इंटरनली और डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन द फंक्शनिंग एंड द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपके हर बार बुक्स में, वो है रिगार्डिंग द एक्सपेक्टेशंस। तो एक्सपेक्टेशंस आपके बुक में काफी सारे होंगे, लेकिन मैंने 5 इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेशंस लिखे हैं, आप और भी घर में पढ़ लेना। एक्सपेक्टेशंस क्या होता है, एक पैसे लगाने वाला इन्वेस्टर्स या एक शेयर खरीदने वाला शेयर होल्डर आपके ऑर्गेनाइजेशन से क्या एक्सपेक्ट कर रहा होगा, क्यों पैसे लगाएगा आपके कंपनी में, उसका कुछ एक्सपेक्टेशंस तो होता है, तो क्या एक्सपेक्ट करता होगा। देखो मैंने लिखा है सेटिस्फैक्टरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कोई भी बंदा जब इन्वेस्टमेंट करता है तो क्या सोचता है कि भाई एक अच्छा रिटर्न आना चाहिए, रिटर्न इन द सेंस 10% 20% एक प्रॉफिट का हिस्सा मेरे पास आना चाहिए, हर एक इन्वेस्टर्स ये चाहता है। एप्रिसिएशन मीन्स इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ शेयर। कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म करेगा, कंपनी अच्छा प्रॉफिट अर्न करेगा, तो कंपनी का शेयर का डिमांड मार्केट में बढ़ेगा, तो कंपनी का शेयर का वैल्यू भी क्या होगा, एप्रिशिएट होगा, मीन्स बढ़ेगा। और अगर शेयर का वैल्यू बढ़ेगा तो जो शेयर आप 10 रुपए में खरीदे थे अगर उसका दाम 100 रुपया हो जाए तो आपको डायरेक्टली एक एक शेयर पे 90 रुपए का फायदा पहुंचने लगता है। तो ये एक एक्सपेक्टेशन आप हमेशा करते हैं व्हाइल इन्वेस्टिंग अ सम ऑफ मनी इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड है रेगुलर डिविडेंड। देखो डिविडेंड वर्ड का मतलब क्या होता है, हर एक कंपनी जो साल भर मेहनत करके बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करके गुड्स एंड सर्विसेज बना के जो भी प्रॉफिट अर्न करता है उसका एक पार्ट वो क्या करता है, शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द शेयर होल्डर इज कंसिडर्ड एज इन डिविडेंड, उसको डिविडेंड कहते हैं। तो अगर आप भी ये चाहते हैं कि मेरा कंपनी मेरे को रेगुलर डिविडेंड दे तो इसमें क्या गलत है, तो ये एक्सपेक्टेशन हो ही सकता है आपका। एंड द सेफ्टी ऑफ कैपिटल। तो कोई भी इंसान कहीं पे इन्वेस्टमेंट करे, शेयर्स वगैरह खरीदे, तो कभी नहीं चाहेगा ना कंपनी डूब जाए, कभी नहीं चाहेगा ना कि शेयर का वैल्यू कम हो जाए, क्योंकि मेरी पूंजी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। तो हर एक इन्वेस्टर क्या एक्सपेक्ट करता है कि देयर शुड बी अ सेफ्टी ऑफ कैपिटल, कोई गलत काम कंपनी ना कर दे, कोई गलत फैसले ना ले ले जिससे मेरे पैसे डूब जाएं। तो ये कुछ 4 एक्सपेक्टेशंस होते हैं रिगार्डिंग द शेयर होल्डर्स। इसमें और भी एक्सपेक्टेशंस हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट थे, मैंने लिखे, आप 1-2 एक्स्ट्रा और भी याद कर सकते हो। एक्सपेक्टेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब देखो एम्प्लॉय, अब आप अपने को रखो ना, अगर आप ही सोचो कहीं पे जॉब करते हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे अपने फर्म से, अपनी कंपनी से। आप एक्सपेक्ट करोगे भैया मेरे को फेयर पे दे दे एंड इंसेंटिव्स। आप चाहोगे कि मैं जैसा काम करता हूं उस काम के अकॉर्डिंग जो सैलरी होना चाहिए या जो बेनिफिट्स मुझे मिलने चाहिए वो मुझे मिले। सेकंड, आप क्या चाहोगे, सेफ एंड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। जहां भी आप काम करें वो सेफ हो, कंफर्टेबल हो, वहां पे लाइट की, पानी की, या जो आपके सराउंडिंग्स हैं, जो कलीग्स हैं, बड़ा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देते हैं जहां पे आप काम करना एंजॉय करते हैं, ऐसा एनवायरनमेंट आप एक्सपेक्ट करेंगे। थर्ड क्या एक्सपेक्ट करेंगे, राइट ऑफ पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, देखो ये तो सब जानता है कि हर एक कंपनी में जो डिसीजंस होते हैं वो टॉप एग्जीक्यूटिव्स या मैनेजमेंट के लोग लेते हैं, और मैनेजमेंट का काम ही क्या होता है, अपने जूनियर से काम निकलवाना, टू मैनेज द मेन टैक्टफुली इज द
गोल ऑफ द मैनेजमेंट। लेकिन मैनेजमेंट भी से भी हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि जब मैनेजमेंट कोई डिसीजन लेता है तो उस वक्त हम लोग को भी उसमें इन्वॉल्व करें, ताकि वो लोग हमारी भी प्रॉब्लम्स, हमारी भी ग्रीवांसेस को सुने, तब जाके वो कोई डिसीजन ले। तो पार्टिसिपेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आजकल। और वेलफेयर फैसिलिटीज, देखो वेलफेयर फैसिलिटीज जैसे मेडिकल, जैसे हम बीमार पड़ जाए तो मेरे भाई मेरा जो दवाई का खर्चा है वो मेरा कंपनी उठा ले, फ्री में हाउसिंग दे दे, बच्चों के लिए एडुकेशन प्रोवाइड कर दे, तो ये वेलफेयर फैसिलिटीज भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंपनी से। अब कुछ एक्सटर्नल्स के एक्सपेक्टेशंस भी पढ़ ले। तो एक्सटर्नल में एक सप्लायर आया, तो भाई सप्लायर का क्या एक्सपेक्टेशन है, सप्लायर क्या सोचता है, भाई हमको रेगुलर ऑर्डर मिलता रहे, जो भी रॉ मटेरियल वगैरह चाहिए, जो भी मेरी सर्विसेज चाहिए, कंपनी रेगुलर लेता रहे ताकि मेरा रेगुलर अर्निंग्स होता रहे, टाइम से हमको पेमेंट दे दे, ज़्यादा दिन दौड़ाए ना, बार बार मुझे जाना ना पड़े, जैसे मैंने उनका माल रख दिया भाई हमको पेमेंट दे दे, और कंपनी का करेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। कभी कभी कंपनी डूबत खाता होती है या डूबने वाली होती है, तो वो लोग चाहते हैं कि भाई मेरा पैसा ना डूबे, तो वो लोग क्या करते हैं कंपनी के बारे में करेक्ट इंफॉर्मेशन गैदर करने की चेष्टा करते हैं, खोजते हैं, ताकि उनका जो भी सामान उन्होंने आपको दिया है वो पैसा सेफ रहे। गवर्नमेंट क्या एक्सपेक्ट करता है, अब सुन, अब गवर्नमेंट आपसे क्या एक्सपेक्ट करेगा कि भाई गवर्नमेंट का इनकम होता किससे है, रेवेन्यू किससे आता है, आपसे ही तो आता है। किस फॉर्म में आता है, इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, जो भी आप भरते हैं गवर्नमेंट को वो जनरेट हो। गवर्नमेंट क्या चाहेगा, आप फेयर और रीजनेबल ट्रेड प्रैक्टिस करें। रीजनेबल एंड फेयर मतलब, ट्रेड प्रैक्टिस मतलब जब आप बिजनेस करते हैं तो फेयरली करिए, और फेयरली वर्ड का मतलब होता है कोई भी मिलावट भरा सामान मत भेजिए, बेचिए, अच्छी चीज़ें बनाइए, ज़्यादा ओवर प्राइस चार्ज मत करिए, अनएडल्टरेटेड गुड्स बनाइए, ये कंट्री का लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, और जो भी कंपनी गवर्नमेंट के ड्यूज हैं उसको आप टाइमली पेमेंट करें, ये गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशंस हो सकती है आपके साथ। एंड द लास्ट दैट इज द कंपिटिटर्स। अब कंपिटिटर्स क्या एक्सपेक्ट करेगा, देखो कंपिटिटर कभी नहीं बोलेगा मेरे से कंपीट मत करो, आप जरूर कंपीट करो, लेकिन कंपीट करने का मतलब ये नहीं कि आप गलत रास्तों को अपनाओ, आप मेरे से सस्ता दाम बेचो लेकिन उसमें आप मिलावट भरा सामान बेच दो, लो क्वालिटी का सामान बेच दो, ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा। वो क्या करेगा, लड़ो मेरे साथ लेकिन फेयर होके, अच्छे प्राइस पे अच्छी क्वालिटी के सामान, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करो। वो चाहेगा एक हेल्दी एटमोसफेयर बनाओ कंपटीशन का। दुश्मनी करना है, कंपटीशन करना है, दुश्मनी नहीं करना है अपने को कि लड़कट मर जाए। एक अच्छा एनवायरमेंट बनाओ जहां पे हम लोग कंपीट करेंगे, तुमसे बेहतर होने की चेष्टा करेंगे, ये करना है। कट थ्रोट कंपटीशन को अवॉइड करो, जो मैंने कहा दुश्मनी नहीं करना है, एकदम ऐसा कट हो उसको गिराना ही है, कुछ भी करना है, इस तरह की सोच आपके माइंड में ना हो। और इंटायर इंडस्ट्री का ग्रोथ, अब इंडस्ट्री वर्ड का मतलब सुनो, सोचो आपकी ज्वेलरी की शॉप है, अब आपके इलाके में जितने भी ज्वेलरी शॉप है या कलकत्ता में जितने भी ज्वेलरी शॉप है, वो सब एक एसोसिएशन के अंदर आते हैं और एक इंडस्ट्री का नाम उनको मिलता है। जैसे क्लॉथ मर्चेंट होते हैं, ज्वेलरीज वाले होते हैं, ट्रांसपोर्टेशंस वाले होते हैं, तो सब एक एक क्या एसोसिएशन के अंडर में आते हैं। और कभी कभी इन लोग जब भी कोई फैसला लेते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर दुकान को या पर्टिकुलर बिजनेसमैन को फायदा लेने देते, वो चाहते हैं कि जब इंडस्ट्री माने हमको सबको फायदा हो। अगर सोचो कल आपके यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का रेट बढ़ता है, बस के भाड़ा बढ़ गया, टैक्सी का भाड़ा बढ़ गया, तो इसका फायदा एक को थोड़ी होगा, सबको होगा। तो इन लोग ऐसा काम करते हैं जैसे इंटायर इंडस्ट्री क्या करे, ग्रो करे। तो ये सब जो थे वो थे एक्सपेक्टेशंस ऑफ इंटरनल एंड द एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेक होल्डर एनालिसिस। अब स्टेक होल्डर एनालिसिस क्या है, देखो ये कुछ नहीं है, जो मैंने आपको पढ़ाया है वही एक क्वेश्चन घुमा के दिया है। देखो पहला आइडेंटिफाइंग द प्राइमरी स्टेक होल्डर। देखो प्राइमरी स्टेक होल्डर क्या है, जो मैंने आपको पहले बताया एग्जैक्टली वही डेफिनेशन आपको बताना है कि कौन कौन से मेरे प्राइमरी स्टेक होल्डर्स थे जो डायरेक्टली सामान के प्रोडक्शन या गुड्स को प्रोड्यूस या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, जैसे ओनर, एम्प्लॉयज, सप्लायर्स वगैरह। और सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स, जैसे मैंने पहले ही कहा था, गवर्नमेंट, ट्रेड यूनियंस, मीडिया, जो लोग कि सेकेंडरी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये दो पॉइंट तो हमारे वही थे जो हमने पहले भी पढ़े हुए हैं, तो इनके लिए वही डेफिनेशंस आपको पुट डाउन करना है जो मैंने पहले लिख दिया था। अब आता है मैपिंग द स्टेक होल्डर एनालिसिस, ये काफी ना इंपॉर्टेंट है। देखो
जब भी एक बिजनेस हाउस अपना कोई भी स्ट्रेटेजी बनाता है, जब भी कोई बिजनेस हाउस कोई डिसीजंस लेता है, तो वो सबसे पहले ध्यान में इस चीज को रखता है कि मेरे इस डिसीजन से सबसे बड़ा इम्पैक्ट किस स्टेक होल्डर पे पड़ेगा, और इस स्ट्रेटेजी को अगर सक्सेस करना है तो किस स्टेक होल्डर को अपने साथ रखना है। तो हमेशा एक बिजनेस हाउस अपने सारे स्टेक होल्डर्स को कंसिडर करता है और ट्राई करता है उनके साथ ऐसा रिलेशनशिप मेंटेन करने ताकि वो लोग हमेशा हमको अपना पॉजिटिव चीज ही दें। तो इसीलिए हर एक फर्म ये ट्राई करता है कि हमारे कोई भी फैसले का, हमारे कोई भी स्ट्रेटेजी का क्या इम्पैक्ट शेयर होल्डर्स स्टेक होल्डर्स पे पड़ता है। तो हम लोग बहुत ध्यान से देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसके बाद ही हम लोग कोई डिसीजंस लेते हैं। फिर आता है मैपिंग द स्टेक होल्डर कोएलिशन। देखो कोएलिशन वर्ड का ही मतलब होता है कॉम्बिनेशन। यहाँ पे अगर स्टेक होल्डर्स कंबाइंड हो जाएं, तो मैंने पहले भी कहा है उसका दो इम्पैक्ट हो सकता है, वन इज द नेगेटिव, द अदर वन इज द पॉजिटिव। अब नेगेटिव इम्पैक्ट क्या था, मैंने बताया था कि अगर वो लोग मिल जाएं और मेरे बिजनेस को ऑपरेशंस को अगर बंद करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं। वो लोग कोई मेरे को रॉ मटेरियल नहीं देगा, एम्प्लॉयज को मेरे यहाँ काम नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली बिजनेस तो बंद हो जाएगा। और वही अगर मेरा बिजनेस ट्रबल में है, लॉस में जा रहा है, बिजनेस बंद करने के कगार पर है, वो लोग चाहे तो मेरे को सपोर्ट कर सकता है और सपोर्ट इस तरह से कर देगा कि बिजनेस पूरा रिवाइव कर जाएगा। जहाँ मैं लॉस कर रहा था वहाँ मैं प्रॉफिट में आ जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास एम्प्लॉयज़ का सपोर्ट रहेगा, मेरे पास सप्लायर्स का सपोर्ट रहेगा, तो प्रोडक्शन कभी भी मेरा डिस्टर्ब्ड नहीं होगा। तो ये था फोर्थ पॉइंट, द मैपिंग ऑफ स्टेक होल्डर कोएलिशन, एंड द लास्ट वन इज द स्टेक होल्डर इंटरेस्ट। देखो एक्सपेक्टेशन ही तो है इंटरेस्ट, और क्या है, आप जो चीज चाहते हैं वही तो आपका इंटरेस्ट है। तो ओनर क्या चाह रहा था, सेफ्टी ऑफ कैपिटल, बेटर रिटर्न, प्रॉफिटेबिलिटी। एम्प्लॉय क्या चाह रहा था, फेयर वेजेस, कंफर्टेबल एनवायरमेंट। गवर्नमेंट क्या चाह रहा था, पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंट्री। सप्लायर क्या चाह रहा था, टाइमली ऑर्डर एंड टाइमली पेमेंट। कंप्यूटर क्या चाह रहा था, कट थ्रोट कंपटीशन ना हो, इंडस्ट्री का पूरा रिवाइवल हो, इंप्रूवमेंट हो, बेटर हेल्दी इन्वायरमेंट हो जहाँ पे हम लोग आराम से कम्पीट करें लेकिन कट थ्रोट कंपटीशन ना हो। तो ये अलग अलग स्टेक होल्डर्स का एनालिसिस था जो हमको करना। तो ये जो पांच पॉइंट है रिगार्डिंग द क्वेश्चन ऑफ स्टेक होल्डर एनालिसिस, ये कोई अलग नहीं है, जो पांच चीज आप पहले ही पढ़ चुके थे। जस्ट ये थर्ड पॉइंट थोड़ा सा अलग था जो मैंने कहा, लेकिन बाकी जो चार पॉइंट थे आप पहले ही पढ़ रखे थे। और ये चैप्टर भी बहुत छोटा था और ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक था जो मैंने आपको खत्म कर दिया। तो स्टेक होल्डर चैप्टर तो खत्म हो गया, अब इसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आएगा।